हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो बस आज का ब्लॉग है मॉर्निंग से, तो मैं मॉर्निंग में क्या क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैं कर रही हूँ सारे कपड़ों को सुखा रही हूँ और पसार रही हूँ। जो गीला कपड़ा था मशीन लगाई थी, तो बस वो कपड़े को सारे को मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। तो बस यहाँ पे हस्बैंड आए हुए हैं क्योंकि इनकी बहन के लड़के का शादी था, यानी कि ननद के लड़के का शादी था। तो बस 10 दिन की छुट्टी में आए थे, 2 दिन तो ट्रेन में ही चला गया। तो शादी वगैरह सब हो चुका है, डेली आना जाना था, तो मैं वो सब वीडियो शूट नहीं की थी। क्योंकि किसी भी घर में मैं शादी में जाती हूँ तो बिना परमिशन का मैं वहाँ का कोई भी शूट वगैरह नहीं करती हूँ। जो भी मेरे लाइफ का रहता है मैं वही शूट करती हूँ, उसका ही ब्लॉगिंग करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए शादी वगैरह हो गया, बहुत थके हुए थे हम लोग, फ्रेश हो गए। 2 दिन से तो खूब सारी नींद ले रहे थे हम सब। तो यहाँ पे जो लैंप है ना हमारा ख़राब हो गया था। ख़राब क्या हुआ था, टोटो ने इसे काट दिया था तार को, साथ में प्लग भी ख़राब हो गया था। तो जो भी पेंडिंग काम रहता है मैं सारा इकट्ठा करके रखती हूँ कि आएंगे तो सब सही से कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए लाइट वगैरह सही से कर चुके हैं, यहाँ पे नया होल्डर तार और साथ में प्लग लगा दिए। तो इससे क्या होगा ना कि टोटो को थोड़ा लाइट मिलेगा। ये लैंप ना आप कहीं भी यूज भी कर सकते हैं, कुकिंग करना है या तो कहीं भी कुछ काम रहता है तो मैं इसे उठाकर घुमाते रहती हूँ। और बाकी दिन क्या होता है कि यहाँ पे मैं इस तरह से लाइट जला देती हूँ तो टोटो को लाइट भी मिलता है। ये देखो टोटो पता नहीं क्यों मुँह फुला कर हिल हिल के बैठा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा है ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल का 9 से 10 साल तो हो चुका होगा लेकिन कभी भी इसमें लाइट नहीं लगा था। लाइट लगा हुआ था लेकिन हम लोगों ने कभी इसे ऑन किया ही नहीं क्योंकि इसमें कनेक्शन दिए नहीं थे। पता नहीं आज क्या हुआ कि ये सब सही कर रहे हैं, इसमें भी होल्डर तार वगैरह जो लगाना था और लाइट जल गया। तो ननिया हम लोग काफ़ी खुश हो रहे थे, ननिया 10 साल पे लाइट लग चुका है, चलो लेट से ही लग तो गया। फिर यहाँ पे मम्मू आकर सारे पेड़ पौधे में डाल रही है पानी। तो यहाँ पे पेड़ पौधा बहुत ही सूख गया था क्योंकि मैं नहीं रहती हूँ घर पे, तो पेड़ पौधा को भी कोई ध्यान नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पे जो मनी प्लांट है ना उसका भी थोड़ा ग्रोथ रुक गया है, पानी नहीं गया, खाद नहीं गया। तो होता ना है कि पेड़ पौधा थोड़ा ख़राब होने लगता है। अगर आप खाद नहीं भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी डेली डालना चाहिए पौधे में, तभी पौधे में ग्रोथ आता है। बिल्कुल मिट्टी देखिए पूरा सूखा सूखा है। तो मैं मम्मू को डांट रही थी कि जाकर मम्मू पानी डाल दो। फिर यहाँ पे आ गए थे देवर, तो यहाँ पे बैठ के नाश्ता और खा रहे हैं और साथ में है चाय। बस मैं भी यहाँ पे बैठी थी, थोड़ा बात वगैरह हम लोग कर रहे थे। तो ये क्या खाएंगे, हमारे हस्बैंड ही खा रहे हैं बैठकर। बस उसके बाद जो भी पेंडिंग काम रहेगा इनसे मैं सारा करवा लूँगी। फिर नहीं तो क्या होता है ना, कुछ काम ऐसा होता है कि जो मुझे नहीं आता है, जैसे कि हमारे यहाँ 2-3 नल ख़राब हो गया है तो नल का पानी टपक रहा है, उसे ठीक करना है। ये है टॉप फ्लोर, छत का ऊपर का, जिसमें अभी सीढ़ी नहीं बना है, आधा घर बना है आधा भी मतलब ऐसे ही है। तो इसको बंद करने के लिए जाना पड़ता है दूसरे के छत पे चढ़ के, ऊपर टंकी वाले छत पे चढ़ना पड़ता है। फिर मैं ननिया को बोली कि जाकर बंद करो तो पापा नल बना देंगे। बना क्या देंगे, नया नल लगा देंगे। तो ये देखिए बगल के घर में कितना ऊंचा घर बन गया, उसने तो 5 फ्लोर बना लिया। यहाँ पे ये हमारा 3 फ्लोर है, यहाँ पे 2 टंकी रखा हुआ है पानी का। उसके बाद जिस छत को मैं हमेशा दिखाती हूँ शूट करके, वो अलग छत है। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये वाला छत आप हमेशा वीडियो में देखते होंगे। तो बस ये बन जाएगा ना, तो ये वाला छत अब वो दोनों साथ में एक हो जाएगा। फिर उसके बाद रात को हुआ कि खाना बनाओ या कहीं बाहर चला जाए खाने के लिए, बस इतना बोलने की ही तो देरी रहता है। मेरे यहाँ दोनों बच्चे कूदने लगते हैं, नए नए चलते हैं ना, आज बाहर ही खाना खा कर आते हैं। तो फिर हुआ कि सबका पेट भरा था क्योंकि शाम को मैं नाश्ते में बनाई थी पास्ता, कुछ ना कुछ तो खाना रहता ही है शाम को नाश्ता पानी। बस मम्मू को इंजॉय करने के लिए चाहिए, टाइम मिला बस निकल चलो। तो बस मैं बोली चलो पापा आए हुए हैं तो हम लोग चलते हैं। होता है ना कि ऐसे कहीं भी मैं जाती हूँ, मंदिर है घुमाने हैं तो मैं ही जाती हूँ, जल्दी पापा आ नहीं पाते हैं। तो मैं आ गई थी यहाँ पर, बगल में ही घर के मत 5 मिनट लगता है हरीलाल। तो और बाकी सब क्या है ना कि दूर दूर है, तो ये है ना एकदम पास में है, आप चल के भी आ सकते हैं या तो आप ऑटो से भी आ सकते हैं, मुश्किल से 5 मिनट लगता है। तो मैं बस रात को यहीं आ गई थी, 9:30 हो रहा था।
तो बस मम्मू को डोसा खाना था, मैं वो भी खिला दी। मेन खाना था बिरयानी नन्या को, तो बस बिरयानी हम लोग ऑर्डर कर चुके हैं। क्योंकि मैं पूछी नन्या कैसा लगा, तो उसे वो मज़ा नहीं आया। उसे खाना था हैदराबादी बिरयानी जो स्पाइसी काफ़ी होता है, उस तरह से नहीं था। तो बस ठीक ही था, कोई ख़ास भी नहीं था। तो यहाँ पे मैं जो आर्टिफिशियल गुलाब का फूल था, हंसी और मस्ती कर रहे थे, साथ में थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे थे। फिर हुआ कि इन लोगों को खाना है आइसक्रीम। मैं बोली इनसे जो जो भी खाना है मोमो नन्या खा लो। फिर उसके बाद हम लोग खाना खा चुके थे, जाकर हाथ धुल लेंगे, फिर थोड़ा देर बैठेंगे। फिर उसके बाद कल क्या है, इनको निकलना भी है, पैकिंग भी करना है, और घर में बहुत सारे एक्स्ट्रा काम। जब ये 2-3 महीने पे आते हैं, 2 या 2.5 महीने पे आ जाते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा काम रहता है ना, मैं करवा लेती हूँ। अभी होली में आए थे, फिर अभी देखो जुलाई में शादी था तब आ गए। तो फिर यहाँ पे देखो अब हम लोग खाना पीना खा चुके हैं, तो अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। घर पास में है, तो ये बस 2 बार बाइक से मोमू नन्या को छोड़ देंगे। मैं लास्ट में जाऊंगी, ये बोलती तुम खड़ी रहो, मैं आता हूँ। क्योंकि मुझे हरी सब्ज़ी लेना था, क्योंकि ट्रेन में क्या जाएगा खाना बनकर, सूखी सब्जी वो लेना था। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मोमू सारा सामान भी लेके आई, मेडिसिन भी लेना था। थोड़ा होता है ना कि मुंबई का पानी और पटना का पानी लड़ जाता है, तो इनको थोड़ा बुखार आ रहा, सर्दी बुखार खांसी वगैरह ये सब था। तो मैं बोली कि मेडिसिन ले लेती हूँ, जैसा रहा आप वहाँ दिखा लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग खा पी कर सो गए थे। सुबह उठे तो ये यहाँ पे नहा धो के पूजा कर रहे हैं, और मैं 2-3 काम कर रही हूँ, तो वीडियो भी शूट नहीं हो पा रहा था। मैं किचन में खाना भी बना रही थी और साफ़ सफाई भी कर रही थी, क्योंकि जब कोई जाता है लंबा टूर पे तो घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, पहले ही लगा लेना चाहिए। और नन्या भी यहाँ पे नहा कर आ चुकी है, नन्या का भी क्लासेस है और साथ में मुम्मू का भी एग्जाम चल रहा है। तो मुम्मू सुबह उठ के 6:30 बजे स्कूल चली गई। उसके बाद मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ ट्रेन के लिए। तो ये बोले कि चटैल वहाँ मिलता नहीं है, चटैल की सूखी सब्जी बना दो, जिसमें कोई भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं, तेल में मैं फ्राई की थी, और सादा रोटी। मैं बोली पूरी बना दूँ कि पराठा बना दूँ, तो आपको पता ही होगा जब हम लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो कुछ भी ट्रेन पे खाने का मन नहीं होता है। तो ये बोले कि मुझे सादा रोटी चाहिए, पतला पतला रोटी बनाकर उसमें घी लगा दो, या तो चपाती बना दो। लेकिन इतना लेट हो रहा था, 9:30 में निकलना था मॉर्निंग में, और साथ में फटाफट बनाना भी था, तो मैं फटाफट यहाँ पर रोटी सेक ली। फिर उसके बाद निकलने के पहले ये अक्सर भगवान को प्रणाम करके जाते हैं, साथ में अपनी मम्मी पापा को भी प्रणाम करके जाते हैं। तो मैं बोली कि प्रणाम वगैरह कर लीजिए, तब तक मैं दही ले आती हूँ, दही खाकर ही निकलिएगा। ये देखिए यहाँ पे मम्मी पापा का फोटो आप अक्सर यहाँ पर देखते होंगे वीडियो वगैरह में। तो यहाँ पर मैं इनको दही खिला दूँगी। कोई भी कहीं भी यात्रा पे जाता है तो यहाँ पे दही खाकर ही जाना चाहिए, जैसे कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, लॉन्ग टूर पे जाते हैं। तो बस दही चीनी पे यहाँ खिला दूँगी, थोड़ा ज़्यादा हो गया था। मैं बोले अब जूठा कहाँ रखूँगी, आप पूरा खा ही लीजिए। तो बस आज का यही ब्लॉग था, थोड़ा भी आपको अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो बस टाइम से ज़्यादा हो रहा था, 9:30 से ज़्यादा हो रहा था, तो माइंड में टेंशन होने लगता है ना, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम ट्रैफिक वगैरह भी काफ़ी लगता है। ये गाड़ी वाले को फ़ोन कर रहे थे, तो बस फटाफट गाड़ी आ जाए तो भी निकल जाए, क्योंकि दोनों बच्चे तो चले गए हैं। तो बस आज का यही वीडियो था, अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।